भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले को श्रीलंका ने 32 रनों से जीत लिया है। जी हां दोस्तों, पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था जो बेनतीजा रहा था, लेकिन उसके बाद दूसरे ओडीआई मुकाबले में श्रीलंका ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 32 रनों से हरा दिया है। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए जिसके बाद श्रीलंका ने 50 ओवर में 240 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रख दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर सकी। 42.2 ओवर में 208 रन पर भारतीय टीम सिमट गई। दोस्तों, श्रीलंका के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए अबिस्का फर्नांडो ने शानदार 40 रन बनाए। उसके अलावा कुशल मेंडिस ने भी 30 रन की पारी खेली, तो श्रीलंकाई कप्तान असलंका ने भी 25 रन बनाए। उसके अलावा दुनित बेलालागे ने भी 39 रन बनाए और कमांडो मेंडिस ने भी 44 गेंदों पर 40 रन का योगदान दिया, जिसकी बदौलत श्रीलंकाई टीम 240 रन बनाने में कामयाब हुई। पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए और कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके। उसके अलावा अक्षर पटेल और सिराज को 1-1 विकेट मिला। श्रीलंका के 240 रन बनाने के बाद भारतीय टीम मैदान पर उतरी और भारतीय टीम के लिए हर बार की तरह रोहित शर्मा ने इस बार भी शानदार स्टार्ट दिया। रोहित शर्मा ने शुरुआती 44 गेंदों पर 64 रन की पारी खेलकर वो पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल ने भी 44 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद विराट कोहली भी आज कुछ खास नहीं कर सके। 14 रन बनाकर विराट कोहली पवेलियन लौट गए। उसके बाद शिवम दुबे भी 4 गेंदों पर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। भारत के लिए अक्षर पटेल ने भी 44 गेंदों पर 44 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम को आखिर तक बल्लेबाजी करके जीत ना दिला सके। अक्षर पटेल के बाद श्रेयस अय्यर भी कुछ खास नहीं कर सके। 7 रन बनाकर अय्यर भी पवेलियन लौट गए। उसके बाद केएल राहुल ने एक बार फिर निराश किया। केएल राहुल ने 2 गेंदें खेली लेकिन खाता भी नहीं खोल सके और पवेलियन लौट गए। आखिर में वॉशिंगटन सुंदर ने 40 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाए। लग रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर इस मैच को खत्म कर देंगे, लेकिन इस तरीके से कुछ भी नहीं हो सका और श्रीलंका ने भारत को 208 रन पर रोक दिया और श्रीलंका 32 रनों से इस मुकाबले को जीत गई। श्रीलंका के लिए जेफरी बेंडरसे ने शानदार गेंदबाजी की, जिन्होंने 10 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। उसके अलावा श्रीलंका की कप्तान चरित असलंका ने भी 6 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए। भारतीय टीम में पहली विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन उसके बाद नियमित अंतराल पर भारतीय टीम ने विकेट गवाए और नतीजा ये रहा कि 208 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई और श्रीलंका 32 रनों से इस मुकाबले को जीत गया। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में श्रीलंका 1-0 से भारत से आगे है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 7 जुलाई को खेला जाएगा। सो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद।